नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप भी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं और दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से आप ऑनलाइन सामान मंगाना चाहते हैं, ऑनलाइन सामान ऑर्डर करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करके अपना मोबाइल नंबर डाल के अपना अकाउंट बना सकते हैं और सिंपली कैसे जो है आप यहाँ पे कोई भी सामान यहाँ पे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से मंगा सकते हैं। जैसे आपको टी शर्ट चाहिए, जीन्स चाहिए, या जैसे मान लीजिए मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, एक्सेसरी चाहिए, जो भी सामान आपको ऑर्डर करना है कोई भी सामान आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से मंगा सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं या यूपीआई थ्रू पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग के थ्रू भी पैसे पेमेंट कर सकते हैं और देन आपको जो है कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसमें आपको जब आपका प्रोडक्ट घर पे आ जाता है तो देन घर पे आने के बाद फिर उसको जो है पैसे देना होता है, जो है पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों सारा प्रोसेस बताया था, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपको स्टार्ट बताया पूरा प्रोसेस बताऊँ कैसे आप जो है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से ऑनलाइन जो है सामान मंगा सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर पर आना है। दोस्तों गूगल प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको टाइप करना है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जब आप टाइप करेंगे दोस्तों यहाँ पे फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन को सिंपली आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है अपने फोन में। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 4.3 की स्टार रेटिंग है इसकी और काफी अच्छा एप्लीकेशन है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे जो है ऑनलाइन ऑर्डर यहाँ पे सामान यहाँ पे करते हैं, सामान ऑर्डर मंगाते हैं। तो चलिए दोस्तों एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाता है, इसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो एप्लीकेशन है डाउनलोड हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। अब सिंपली इसको ओपन वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। ओपन वाले बटन पे जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ पे कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको अपनी लैंग्वेज चूज कर लेनी है कि हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, मराठी है, गुजराती है। दोस्तों मैं इंग्लिश यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन आ रही है, इसमें आपको पूछेगा दोस्तों नेक्स्ट स्क्रीन में आपसे पूछेगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है। तो यहाँ पे सिंपली आपको अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, तो मोबाइल नंबर जो भी है आपका वो यहाँ पे डाल देना। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने जो है अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर डालने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा और आपका फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन लॉगिन होने के बाद दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको जो है नीचे कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे दिख जाते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों कोई टी शर्ट है, जीन्स है, यहाँ पे कोई भी सामान आपको मोबाइल सामान, मोबाइल से रिलेटेड मोबाइल मंगाना है, लैपटॉप मंगाना है, टी शर्ट है, जीन्स है, ऐसे आपको सामान मिल जाते हैं। मेंस कैटेगरीज भी मिल जाती है, वुमेंस कैटेगरी भी मिल जाती है, चाइल्ड कैटेगरीज भी मिल जाती है। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है जो भी सामान आपको मंगाना है तो दोस्तों ऊपर यहाँ पे आपको एक सर्च वाला एक जो है यहाँ पे दिख जाता है बैनर। तो यहाँ पे सर्च पे आप अपना प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं कि जो भी सामान में आप इंटरेस्टेड है। जैसे मान लीजिए दोस्तों अगर आपको मेंस जीन्स मंगानी है तो यहाँ पे आप टाइप कर दीजिए मेंस जीन्स, तो यहाँ पे जीन्स वाले यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएंगे। इसको अलाउ कर दीजिए, आपसे लोकेशन मांगेगा तो इसको अलाउ कर दीजिए, तो ये जो है बेटर आपको यह दिखाएगा सारे प्रोडक्ट। तो देखिए दोस्तों जैसे ये जीन्स के प्रोडक्ट आ गए और आपके जैसे मान लीजिए अगर आपको मेंस जीन्स के अलावा मेंस टी शर्ट मंगानी है तो मेंस टी शर्ट यहाँ पे सर्च कर दीजिए तो टी शर्ट यहाँ पे आ जाती है, बहुत सारी अच्छी अच्छी टी शर्ट्स आ जाती है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो है जैसे मान लीजिए मैन शॉर्ट्स है, तो मतलब जिस हिसाब से भी आपको प्रोडक्ट यहाँ पे मंगाने हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जो है अपने हिसाब से प्रोडक्ट यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको मंगाना है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मेरे को ये वाली टी शर्ट मंगानी है तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप इस टी शर्ट के जो है यहाँ पे और इमेजेस यहाँ पे देख सकते हैं, लेफ्ट स्वाइप करके। इसके बाद दोस्तों नीचे आप इसके कलर देख सकते हैं कि कौन सा कलर मंगाना है। देखिए एक ये वाला कलर है, एक ये वाला कलर है, स्काई ब्लू वाला कलर है, एक ये कॉफी कलर है, तो इस हिसाब से आप जो है चूज कर सकते हैं। दोस्तों मेरे को ये वाला कलर अच्छा लग रहा है तो मैंने ये वाला चूज कर लिया। इसके बाद दोस्तों नीचे जब आएंगे तो आपको इसका प्राइस यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए 83% ऑफ है इस पे टी शर्ट पे, प्राइस जो है 1749 रुपये का प्राइस है, लेकिन आपको 289 रुपये में यहाँ पे जो है यहाँ पे टी शर्ट यहाँ पे दे रहा है ये। इसके बाद आप इसकी रेटिंग्स पढ़ सकते हैं, यहाँ पे रेटिंग्स यहाँ पे अच्छी रेटिंग्स आ रही है और ये रेटिंग्स देखेंगे तो आप नीचे आपको रेटिंग्स यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे आपको जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है रेटिंग्स अभी दिख जाएगी कि लोगों की क्या रिव्यूज़ है, लोगों को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको साइज़ दिख जाता है कि देखिए एस साइज़ में है, एल साइज़ में, एक्सेल साइज़ में। तो दोस्तों मेरा जो है एल साइज़ है, एल और एक्सेल दोनों आ जाता है मेरे। तो दोस्तों मैं जो है एल यहाँ पे मंगाना चाहता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एल वाला मैं ट्राई करना चाहता हूँ तो मैंने एल चूज़ कर लिया। ठीक है दोस्तों, एल चूज़ करने के बाद दोस्तों नीचे जब आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट में आपको फ्री डिलीवरी मिल रही है, यानी कि 40 रुपये पे नहीं करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। नहीं तो फ्लिपकार्ट में बहुत सारे कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है 40 रुपये का। तो दोस्तों यहाँ पे 40 रुपये यहाँ पे ऑफ हो जाता है। 10 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी, जैसे मान लीजिए अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इन फ्यूचर में अगर आपको रिटर्न करानी है, साइज़ आपका ऊपर नीचे आ गया, कलर आपको दूसरा चाहिए, तो आप जो है 10 दिनों के अंदर रिटर्न करवा सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे दिख सकता है, देखिए बुक फ्लिपकार्ट में कुछ प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिसमें आपको कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल मिल जाता है, कुछ प्रोडक्ट में यहाँ पे नहीं मिलता है। तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी इस वाले प्रोडक्ट में मेरे को मिल रहा है, तो मेरे को और भी अच्छी बात है। तो जब वो सामान लेके आएगा
जाएगा घर पे, देन जो है उसको पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे नीचे यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट वाला बटन दिख रहा है, तो ऐड टू कार्ट वाला बटन पे आपको क्लिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों ऊपर ही ऊपर यहाँ पे आपको गो टू कार्ट वाले बटन पे आना है, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे टी शर्ट का यहाँ पे जो है आपको पूरा यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा। गो टू कार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों पूरा यहाँ पे आ जाता है। इसके बाद दोस्तों ये बेस्ट सेलर वाला ऑप्शन है, देखिए। इसके बाद दोस्तों तो यहाँ पे जो है 289 रुपये का प्रोडक्ट है। इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे प्राइसिंग आपके आ जाती है कि कितना यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। 1749 रुपये की टी शर्ट है, 1460 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। यहाँ पे टोटल अमाउंट जो पे करना है मेरे को 289 या कि 279 रुपये का अमाउंट जो है पे करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे ऊपर ही ऊपर सबसे पहले थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको प्लेस ऑर्डर वाला बटन दिखेगा, तो प्लेस ऑर्डर पे आपको क्लिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है एड्रेस यहाँ पे पूछेगा, तो एड्रेस यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए अगर दूसरा चेंज करना है एड्रेस, तो चेंज एड्रेस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मेरा देखिए मेरा ऑलरेडी इसमें जो है एड्रेस यहाँ पे लोकेटेड है, क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी कई सामान यहाँ पे फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं। अगर आपको नया सामान यहाँ पे नया एड्रेस यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड अ न्यू एड्रेस, तो यहाँ पे आप ऐड अ न्यू एड्रेस पे क्लिक कीजिए और अपना जो एड्रेस है आपका जो फुल नेम है वो यहाँ पे डाल दीजिए, आपका मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका पिन कोड डालिए, यहाँ पे स्टेट डालिए, सिटी डालिए कि कौन से सिटी में आप रहते हैं, और यहाँ पे आपका हाउस नंबर कौन सा है और रोड नंबर कौन सी कॉलोनी कौन सी है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दीजिए और अपना न्यू एड्रेस सेव कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो है ऑलरेडी यहाँ पे मेरा एड्रेस यहाँ पे बनाया हुआ है, तो ये मैंने मेरा जो है ये वाला एड्रेस मैं चूज कर लेता हूँ। अब डिलीवर हेयर पे मैंने क्लिक कर दिया, यानी कि मेरे को जो है ये वाला मेरा एड्रेस है, तो इसी एड्रेस पे मेरे को फ्लिपकार्ट का सामान मंगाना है। और देखिए दोस्तों यहाँ सारा डिस्काउंट वगैरह सब कुछ जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई है। इसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर दें, कंटिन्यू वाले बटन पर जब क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे जो है देखिए सारे यहाँ पे डिटेल्स आ जाते हैं कि मैं जो है गिफ्ट कार्ड के थ्रू भी मंगा सकता हूँ, मेरा जो है गिफ्ट कार्ड में भी कुछ बैलेंस है तो उसके थ्रू भी मंगा सकता हूँ। यहाँ पे जो है मेरा पेटीएम वॉलेट का पेटीएम के थ्रू भी मंगा सकता हूँ, पेटीएम पोस्टपेड के थ्रू भी मंगा सकता हूँ, गूगल पे यूपीआई के थ्रू भी मंगा सकता हूँ, या अदर यूपीआई जैसे फोन पे यूपीआई गूगल पे यूपीआई सारा जो है मैं प्रोसेस कर सकता हूँ, अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग भी कर सकता हूँ। और दोस्तों देखें नीचे मेरे को जो है यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन यहाँ पे दिखाया, ये बोले ड्यू टू हैंडलिंग कॉस्ट एंड नॉमिनल फीस ऑफ 5 रुपए विल बी चार्ज इन योर प्लेस यूजिंग दिस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं अपना जो है कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन मेरे को मिल गया, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी में ये जो है 5 रुपए एक्स्ट्रा जो है हैंडलिंग फीस यहाँ पे चार्ज करेगा। तो दोस्तों ठीक है, मैं जो है मेरे को कोई इशू नहीं है, 5 रुपए ही जो है अपना हैंडलिंग फीस चार्ज करेगा, तो ये मैंने चूज कर लिया। कुछ कुछ प्रोडक्ट में आपको फ्री में जो है कैश ऑन डिलीवरी यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ कुछ प्रोडक्ट में 5 से 7 रुपए आपका जो है हैंडलिंग फीस यहाँ पे लग सकता है। अब दोस्तों नीचे करने के बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे मैंने क्लिक कर दिया, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद ये जो है कुछ कंफर्म बोलेगा, कैप्चा बोलेगा, तो ये कैप्चा आपको डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद कंफर्म ऑर्डर वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों ये जो है ऑर्डर प्रोसेसिंग हो रहा है, देखिए दोस्तों ये जो है ऑर्डर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप ये बोलेगा यू हैव वन स्क्रैच कार्ड। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है पेमेंट यहाँ पे प्रोसेस हो चुका और ऑर्डर मेरा न्यू जो है प्लेस हो चुका। ठीक है दोस्तों, अब जो है आप कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आ चुका है। अब दोस्तों अपना ऑर्डर चेक करने के लिए कैसे आप करेंगे, तो नीचे आपको कुछ ऑप्शन दिखा देंगे, होम कैटेगरीज का, नोटिफिकेशन का, माई अकाउंट का और कार्ड का। तो माई अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ऑर्डर्स पे आपको आ जाना है। तो ऑर्डर पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जितने भी आपके ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऊपर ही ऊपर मेरी टी शर्ट वाला ऑर्डर है, तो देखिए ये आ चुका है। इसके बाद दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सारी ऑर्डर की यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी है कि कितने पैसे का है, ऑर्डर कितने का है और कब तक यहाँ पे जो है डिलीवर होगा। आज देखिए दोस्तों यहाँ पे 22 यहाँ पे अप्रैल बता रहा है, जो एक्सपेक्टेड ये जो है डिलीवरी बता रहा है 27 अप्रैल तक, यानी कि 4 से 5 दिन यहाँ पे लग जाएंगे, 4-5 दिनों के अंदर जहाँ प्रोडक्ट यहाँ पे जो है डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन यूज करके यहाँ पे अपना नया अकाउंट बनाने के बाद, यहाँ पे रजिस्टर करने के बाद, अपना मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद और OTP कंफर्मेशन करने के बाद आप अपना प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट यहाँ पे जो है फ्लिपकार्ट में अपना होम डिलीवरी प्रोडक्ट यहाँ पे करा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी करा सकते हैं और बाकी ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। कुछ ऑप्शन अलग दूसरे ऑप्शन भी मिलते हैं आपको और होम डिलीवरी के कैश ऑन डिलीवरी के ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया और यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बोलते रहे हर मध्य शंभु जय भोलेनाथ।